लेकिन मुलायम सिंह को तो पहुंच गए जहां पहुंचना था, मायावती जी पहुंच गई जहां पहुंचना था, अखिलेश जी के भाई को जहां पहुंचना था पहुंच गया, एक कुनबे को जहां जाना था चला गया, आप वहीं के वहीं रह गए। आप मुझे कहिए, इस जिले में आजादी के 70 साल के बाद 500 गांव अंधेरे में है, ये बुरी चीज है कि नहीं है? जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। ये 500 गांवों में अंधेरा, ये आपका कारनामा था और ये उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। मैंने कर्ज चुका दिया, बदायूं ने मुझे एमपी नहीं दिया, लेकिन बदायूं जिले के 500 गांवों में बिजली पहुंचा दी। अब 2 या 3 गांव बाकी है, वहां भी पहुंचा के रहूंगा। भाइयों, काम कैसे होता है इसका ये नजारा है। भाइयों बहनों, मैं बदायूं जिले के उन 500 गांवों का आज अभिनंदन करता हूं कि 18वीं शताब्दी की जिंदगी जीते थे आप, आज मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला और आपके गांव में बिजली पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपका वंदन करता हूं और उन गांव वालों ने हमारी जो तत्काल मदद की, हर काम में मदद की, उसलिए उन गांव वालों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये बदायूं जिला, इस जिले में एक नेता है, यहां के एक एमएलए है, उस एमएलए को राज्य कक्षे का मंत्री का होद्दा मिला हुआ है, समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश जी के चहेते हैं। उन्होंने क्या बयान दिया था, सरकार सपा की, एमएलए सपा का, सांसद सपा का, एक ही कुनबे का, प्रदेश आपका, जिला आपका, आप ही के लोग, और आरोप भी आप पर लगा रहे थे, आप ही का एक एमएलए, आप ही के सगे चचेरे भाई, उनको सांसद पे आरोप लगाया खुलेआम के अवैध खनन में भ्रष्टाचार करते हैं। ये बिजली के तार लगाने में भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सांसद पर सपा पार्टी के ही एमएलए इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं तो फिर 500 गांवों में बिजली कहां से पहुंचेगी? भाइयों, ये तो मोदी है जिसमें दम है कि उसने वहां बिजली पहुंचा दी, वरना ये नहीं पहुंचा। भाइयों बहनों, जब ये कांग्रेस के सपा के एमएलए ने अपने सांसद पर आरोप लगाए तो मैं कल्पना करता हूं, जब मुलायम सिंह जी ने सुना होगा कि सपा के एमपी के खिलाफ इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो मुलायम सिंह जी ने क्या सोचा होगा?
अगर किसी ने पत्रकार ने पूछ लिया होता तो मुलायम सिंह जी ने क्या जवाब दिया होता? मुलायम सिंह जी ने जरूर कहा होता, बच्चा है, गलतियां कर देता है, उसके लिए कोई फांसी लगती है क्या? यही कहा होता ना, कोई भी पाप करो ये कह देते हैं बच्चा है गलतियां करता है। और अगर यही बात अखिलेश जी को पूछी गई होती, पत्रकारों ने पूछा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती होती और पूछा होता कि भा अखिलेश जी, मुख्यमंत्री जी, बदायूं के एमएलए ने आपके चचेरे भाई जो सांसद है उन पर इतने बड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको क्या कहना है? तो अखिलेश जी क्या कहते हैं, अरे भाई तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो? क्या तेरे शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? यही जवाब दिया होता। कितना गैर जिम्मेवार इनका कारनामा रहा है, हर चीज में गैर जिम्मेवार। भाइयों बहनों, ऐसे गैर जिम्मेवार रवैया वाले लोग कभी भी जनता जनार्दन का भला नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं कह रहा हूं, आपका काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं।